जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन पूरा होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सूबे की सियासत में हलचले भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। सज्जाद लोन की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की अटकलों के बीच अब मामला कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में पहुंच गया है। तीनों दलों के बीच कश्मीर में सरकार बनाने पर बातचीत चल रही है। ऐसा अभी कोई अलायंस की बात नहीं है, लेकिन एक बात आम पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है कि बीजेपी 4 महीने से प्रयास कर रही है फिर सरकार सभी पार्टियों को तोड़ने की और फिर सरकार बनाने की। पहले उन्होंने बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार मिलकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को खत्म किया, आर्थिक हालात खत्म कर दिए, मिलिटेंसी वापस। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि एक सुझाव के तौर पर इस दिशा में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी एनसी कांग्रेस का ये कहना था कि क्यों ना हम इकट्ठा हो जाए और सरकार बनाए। हालांकि अभी तक सरकार बनाने वाली स्टेज नहीं है, एक सुझाव के तौर पर बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 साल सरकार चलाई उससे भी ज्यादा खराब हालत हुए, तो आम राजनीतिक दलों का ये कहना था कि हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाएं और सरकार बनाएं। तो अभी वो स्टेज सरकार बनने की वाली नहीं है, लेकिन अभी बातचीत कुछ दलों के बीच में चल रही है, एक सुझाव के तौर पर चल रही है। हालांकि बीजेपी ने इस कोशिश को पाकिस्तान प्रायोजित करार दिया है। कल जो मुजफ्फर बेग साहब का बयान आया है, पंचायत और लोकल बॉडीज को इलेक्शंस को लेकर के एक पार्टियों के अंदर में बगावत, हालांकि उन्होंने कहीं कहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत करके आती है, तो उन पार्टियों में जो अंदर की एक सुख बुगाहट चल रही थी उसी का परिणाम है कि जो रोष था पार्टियों से उभर करके आया है। और अपनी पार्टियों को बचाने के लिए बेग साहब के बयान के बाद मुझे लगता है कि हलचल शुरू हुई। जिन लोगों को मैंडेट नहीं मिला वो प्रयास कर रहे हैं कि हम यहां पर सरकार बनाएं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक छल होगा, खास करके जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 89 सीटें हैं जिनमें से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए 44 विधायकों की जरूरत होती है। मौजूदा स्थिति में पीडीपी के पास 28, बीजेपी के पास 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास महज 12 सीटें हैं। यानी अगर पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ हो जाए तो ये आंकड़ा 55 तक पहुंच सकता है और सरकार का गठन आसानी से हो सकता है।